नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मैं हूं आपके साथ अलना खान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार यूपी के किसानों का अलग आंदोलन, मंगलवार को लखनऊ का करेंगे घेराव। कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों को मिलेंगे 50,000। योगी सरकार ने जारी किया आदेश, पंचायती राज और ग्राम विकास विभाग में भी आदेश किए जारी। देवबंद में उलेमाए हिंद के सेंटर का विरोध शुरू, पंचायत में गांव के लोगों का अल्टीमेटम, सेंटर बना तो करेंगे पलायन। कांग्रेस की सदस्यता में आए नए नियम, शराब और ड्रग्स से रहना होगा दूर, सार्वजनिक रूप से पार्टी की नीतियों की नहीं कर सकेंगे आलोचना। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी, उत्तर भारत में भी बदल रहा मौसम। IMD के मुताबिक दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कई राज्यों में हल्की बारिश होने की संभावना। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान का नया विज्ञापन हुआ रिलीज, लोकल के लिए हुए वोकल, दिवाली से पहले दिया खास संदेश। यूपी में पश्चिम से पूरब तक बाढ़ का कहर, 5 जिलों में 500 से ज्यादा गांव पानी से डूबे। सीतापुर में 4 की मौत, 3 लापता। बरेली में सड़कों पर डग्गामारी करने वाली निजी बसों के संचालकों और ड्राइवरों पर पुलिस ने की सख्ती, नहीं माने तो लगेगा गैंगस्टर। DGP ने जारी पत्र में कहा, जाम लगाने वाली डग्गामार बसों पर करें कड़ी कार्रवाई। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के नेतृत्व में निकाली गई किसान नौजवान बेरोजगार यात्रा, 403 विधानसभा का भ्रमण करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को पहुंचेगी प्रयागराज। सपा पदाधिकारियों की बैठक में पार्षदों को भीड़ जुटाने की भी दी गई जिम्मेदारी। और यूपी के कानपुर जिले में खतरनाक जीका वायरस का आया पहला मामला, एयरफोर्स कर्मी निकले हैं संक्रमित, उनके कांटेक्ट में आए 200 लोगों को भी आइसोलेट रहने की सूचना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी तमाम खास खबरों के लिए बने रहिए द लीडर हिंदी के साथ। नमस्कार।